हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इंस्टेंट मूंग दाल हलवा बनाने वाले हैं। मूंग दाल हलवा के लिए हमने धुली मूंग दाल ली है। सबसे पहले हम गीला कपड़ा ले लेंगे, एक गीले कपड़े से पोंछ लेंगे एक बार मूंग दाल को। अब हम सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं अच्छे से, या फिर आप 5 मिनट के लिए फैन में भी रख सकते हैं जिससे कि अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छे से ड्राई हो गई है। अब मूंग दाल को हम अच्छे से मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। हमें मूंग दाल को ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। ये देखिए, हमने मूंग दाल को पीस लिया है, हमने थोड़ा दरदरा रखा है। दरदरा रखने से अच्छा बनता है हलवा। आधा कप ही हमने मूंग दाल ली है, आधा कप ही हमने घी लिया है। अभी हम थोड़ा सा घी डाल लेंगे, आधा घी हम बचा लेते हैं। घी हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है। 2 चम्मच हमने सूजी ली है, सूजी से थोड़ा क्रंची हो जाता है हलवा। और मूंग दाल जो अभी हमने पीसी है वो भी डाल देते हैं। सिम फ्लेम पे हम अच्छे से मूंग दाल भूनेंगे। अगर आप गैस तेज कर देंगे तो ये जल जाएगा, बाहर बाहर से भुन जाता है फिर अंदर से कच्चा रह जाता है। कलर चेंज होने तक हम भूनेंगे, जब भुन जाएगा तो खुशबू भी आने लग जाती है। मूंग दाल प्रोटीन युक्त होता है, हमारी सेहत के लिए भी हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए, हमारी दाल का कलर चेंज हो गया है, अच्छे से हमारी दाल भून गई है और खुशबू भी आने लगी है। हमने आधा किलो दूध लिया है, आधा किलो दूध में हमने थोड़ा सा केसर डाला है, केसर बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम दूध डाल देते हैं। हम मावा नहीं डाल रहे हैं हलवा में, इसलिए हम दूध डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आधा कप हमने चीनी ली है, आधा कप ही हमने दाल ली थी, आधा कप ही हमने घी लिया था। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, तेज खाते हैं, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। बीच बीच में हम इसको अच्छे से चलाते भी रहेंगे। 4-5 इलायची को हमने अच्छे से कूट लिया है, इलायची डाल देते हैं। इलायची फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम गैस की फ्लेम थोड़ी हाई कर लेते हैं और चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छे से दूध सूख ना जाए। अब हम गैस की फ्लेम सिम कर लेते हैं। जब तक हमारा हलवा का दूध सूखता है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से घी में भून लेते हैं। 1 चम्मच हमने घी लिया है, 10 हमने बादाम लिए हैं, 10 हमने काजू लिए हैं, उनको दोनों को हमने अच्छे से कट कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून के डालने से और ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, इसलिए हम भून के डालेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन गए हैं, गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं। अब हलवा हमारा कढ़ाई छोड़ने लगा है। हमने जो आधा कप घी लिया था उसमें से हमने कुछ बचा लिया था, वो भी हम सारा डाल देते हैं और चलाते रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा हलवा बना है। हमने जो ड्राई फ्रूट्स भुने थे वो भी डाल देते हैं और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। इंस्टेंट मूंग दाल हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब आप भी ऐसे ही बना के एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।